और एटलीस्ट फिजिक्स तो होता ही नहीं है, फिजिक्स तो होता ही नहीं है। 2022 में पेपर कैसा होगा? सबसे ज्यादा सेलेक्ट नहीं होने के पीछे रीजन ये होता है, और बहुत अच्छा बच्चा जो इंटेलिजेंट है उसका रैंक नहीं आता है, उसके पीछे ये भी रीजन है। यहां पे देख लो अच्छे से, तो चलो, और अभी 50 सवाल कराए हैं और टॉपिक हुए दो, इसीलिए एमआर है। टॉपिक हुए दो, 50 से ज्यादा सवाल करा दिए, यस 50 से ज्यादा कराया, 40 नहीं बेटा 50 से ज्यादा कराया, गिन लेना, तुम गिन लेना ना, चल गिन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक कितने पर है? दो। अब साहब तू खुद सोच, तू खुद सोच ना, बार बार कहता है कि सर इज योर नोट सफिशियंट, इज योर नोट सफिशियंट, सर डीपीपी आपके नोट्स कर ले। अबे तू कर पाएगा? दो दो टॉपिक पे तो 50-50 सवाल करा रहा हूं मैं, दो दो टॉपिक पे तो 50-50 सवाल करा दिए मैंने। ईमानदारी से पढ़ो और सीखने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोज तुम कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, तुम रोज 50 सवाल नए सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज नॉट कि क्या सफिशियंट है, सफिशियंट ये है क्या, पढ़िए मेरे नोट्स, ये सफिशियंट है, और आपकी औकात नहीं है कि बहुत आसानी से पढ़ लेंगे इसको, अच्छे से पढ़ के इसको रिवाइज करा लेंगे। और कभी भी मैं इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़ाता, इररिलेवेंट इन द सेंस की जैसे फिजिक्स के नाम पर मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा कि अब फिजिक्स पढ़ाने आया तो जितनी चीजें फिजिक्स में अवेलेबल है वो सारी पढ़ा दूंगा। नहीं भाई साहब, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप IIT एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप BSc नहीं कर रहे हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में MSc नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स में PhD नहीं कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो नीट में जो जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नीट में आ ही नहीं सकता है। एज अ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCBA स्टूडेंट, आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं है, आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं है। तो बहुत ज्यादा ऐसे सवाल जो मैथमेटिकल लेंथी होते हैं आपको नहीं करना होता। अगर आप कहेंगे सर नीट 21 के बारे में क्या ख्याल है आपका, हाँ बताते ना नीट 21 के बारे में क्या ख्याल है। नीट 21 में लैंग्वेज टफ था, 4-5 ऐसे सवाल थे जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो गए थे, 58 क्वेश्चन हो गए सर। थैंक यू बेटा, अंशु गुप्ता ने काउंट कर लिया, 58 क्वेश्चन हो गए। हाँ यहां पे देखिएगा, नीट 21 में बारे में अगर मैं बात करूं तो नीट 21 में लैंग्वेज मुश्किल था, और 5 ऐसे सवाल थे जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए थे, लेकिन कोई भी एक सिंगल ऐसा सवाल नहीं था जिसमें लेंथी इंटीग्रेशन करना पड़े, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, लेंथी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ हो। नीट 21 की बात कर लो बेटा, नीट 21 की बात कर लो, क्या नीट 21 में तूने पेपर देखा होगा ना, क्या उसमें ऐसे सवाल थे जिसमें लेंथी इंटीग्रेशन हो? नहीं। क्या ऐसे सवाल थे जिसमें लेंथी डिफरेंशिएशन हो? नहीं। लेंथी लॉगरिथम हो या कैलकुलेशन बहुत टफ हो, लेंथी अलजेब्रा हो, बाइनोमियल थ्योरम हो, ऐसे सवाल थे क्या? नहीं। तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। सबसे ज्यादा सेलेक्ट नहीं होने के पीछे रीजन ये होता है, और बहुत अच्छा बच्चा जो इंटेलिजेंट है उसका रैंक नहीं आता है, उसके पीछे ये भी रीजन है। क्यों बहुत स्ट्रीमलाइन पढ़ाई नहीं कर रहा, बहुत रैंडम पढ़ता है। यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। जब तक आप सेलेक्टिव नहीं होंगे, आपको क्या करना है, नीट फोड़ना है कि फिजिक्स फोड़ना है, डिसाइड कर लीजिए आपको नीट फोड़ना है या कि फिजिक्स फोड़ना है। आपको डॉक्टर बनना है कि फिजिसिस्ट बनना है, क्या बनना है आपको, बनना क्या है बताइए, क्या बनना है जीवन में, क्या करना है आपको, फिजिक्स में फोड़ना है कि नीट फोड़ना है? सर नीट फोड़ना है जिसमें नीट फिजिक्स फोड़ना है। हां तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। 2022 में पेपर कैसा होगा? जैसा 21 में था, जैसा 20 में था, जैसा 17 में था, जैसा 18 में था, जैसा 16 में था। सर अगर थोड़ा पेपर लेंदी आ गया तो लेंदी आएगा तो ये चीजें कभी नहीं पूछा जा सकता तुम्हारे पेपर में। अगर ये चीजें पूछा जाता है तो 45 में से एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको कल ही कराया था हिरोडोप वाला सवाल करके आया था ना, बेवकूफ है, क्योंकि 5 मिनट में, 7 मिनट, 8 मिनट में एक सवाल सही करेगा, इतने में तो बायोलॉजी के 20 सवाल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? और अगर बहुत आसान आसान से नीट 21 जैसे पेपर आते हैं तो मैटर क्या करता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस या
कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना, कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये बात समझिए, अगर नीट 2022 की भी बात करें ना आप, तो पेपर वैसा ही आएगा। आप इतना सरप्राइज्ड हो कि क्यों पूछते हो कि सर व्हाट अबाउट नीट 22, क्या होगा सर, क्या हो जाएगा? अरे कुछ भी होगा, पहली चीज तो सारे बेसिक कंसेप्ट आपको आएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। बेसिक कंसेप्ट और बेसिक थ्योरी का जब तक आपको फील नहीं आया है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता, और एटलीस्ट फिजिक्स तो होता ही नहीं है, फिजिक्स तो होता ही नहीं है। अगर आप ये कहोगे ना कि आप मतलब हम कर लेते हैं ना, हम दो महीने में फिजिक्स कर लेते हैं, नहीं होता है, जल्दीबाजी में फिजिक्स तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको रिग्रस मेहनत करना पड़ेगा, रिग्रस मेहनत करना पड़ेगा। अब आसान नहीं है, 30 चैप्टर में कम से कम ऑन एन एवरेज 10 टॉपिक मानता हूं मैं, तो 300 से 400 कंसेप्ट, कब 400 बेसिक फील, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक लिमिटेशंस, कब वो अप्लाई हो सकता है, कब नहीं अप्लाई हो सकता, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सोचने का तरीका आना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लैंग्वेज वाले सवाल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ कंसेप्ट से कभी भी काम नहीं चलेगा। और आपको लगता है कि आपको सार, आपको मैं सच बताऊं ना तो इतना फिजिक्स आता है यार, लेकिन उसके बाद जो लैंग्वेज पढ़ के समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना, यह टाइम टेकिंग होता है, यह टाइम खाता है। समझ में आया कि नहीं है? ये टाइम खाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे बस। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप सोचते हो ना कि सर हमने इतना सोचा था कि दिन में करेंगे लेकिन कर नहीं पाए, हमने सर सोचा था कि मंडे से सैटरडे तक इस वीक में ये हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया, देखो पहली बात इससे परेशान मत हो, यह सबके साथ होता है, किसी के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के साथ थोड़ा कम होता है, होता सबके साथ है। इसको ठीक करने का ना एक बहुत जोरदार तरीका बताता हूं। जैसे तुम ये सोचो कि कल तुम्हें कहीं जाना है, सुबह 6 बजे ट्रेन है, बस 4 मिनट लूंगा तुम्हारा, सुनना ध्यान से, सुबह 6 बजे ट्रेन है, तो 99% चांस होता है कि तुम सुबह 5 बजे उठ जाते हो, और कई बार बिना अलार्म के भी उठ जाते हो। कैसे उठ जाते हो? तुम क्या करते हो कि बैठते हो रात में, सोचते हो यार सुबह जाना ही है, मतलब तुम्हारे दिमाग में ना एक इंस्ट्रक्शन बार बार आता है, सुबह उठ के जाना है, सुबह ट्रेन है, तुम डरे रहते हो, तुम्हें पता है कि सुबह ट्रेन है ही, तो बार बार तुम्हारा दिमाग ना इंस्ट्रक्ट करता है चीजों को कि उठना ही है, बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है। अब जब तुम सोचते हो कि कल मुझे 6 घंटा पढ़ना है, तो तुमने एक बार बोला चल 6 घंटा पढ़ना है, अब तुमने ये बताया ही नहीं कि कब 6 घंटा पढ़ना है, तुमने ये बताया ही नहीं कि 6 घंटे में क्या पढ़ना है, तुमने क्या दिमाग को 6 बार बोला कि कल 6 घंटे पढ़ना है? सिर्फ ये काम करो, अगर तुम सेलेक्ट होना चाहते हो ना ईमानदारी से, और तुम्हें यह पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा समय कहां जा रहा है, और तुम्हें यह भी नहीं पता चल रहा कि इफिशियंसी इतनी लो क्यों आ रही है, हम जितना सोचते हैं उसका 20% ही हो पाता है, तो बस एक काम करो, रात में चाहे जितने बजे भी सोते हो, सोते समय सिर्फ 10 मिनट, 2-4 दिन करके देखो, सिर्फ 10 मिनट दो बातें सोचो, पहली बात कि आज का दिन मेरा जैसा भी था उसमें कहां मैंने टाइम खराब किया है। हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुमने इंस्टाग्राम 10 मिनट ज्यादा चलाए, हो सकता है कि 10 मिनट किसी फ्रेंड से तुमने ज्यादा बात कर ली, उस समय तो इमोशनली होकर तुमने बात कर लिया लेकिन बाद में तुम्हें गिल्टी फील हो रहा था, या हो सकता है घर वालों ने 4 काम बताया जिसमें तुम्हारा समय खराब हुआ, हो सकता है कि तुम मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, डीमोटिवेट होकर तुमने यूट्यूब देखा और उसके बाद इंटरटेनमेंट कोई न्यूज चैनल देखा, और उसके बाद एन नंबर ऑफ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जहां पे तुमने टाइम खराब किया, छोटे-छोटे स्लॉट, 20 मिनट खराब किया होगा, 30 मिनट खराब किया होगा, 15 मिनट खराब किया होगा, तो ये आइडेंटिफाई करो, सिर्फ 5 मिनट ये सोचो, और 5 मिनट दिमाग को ये बताओ कि कल ये काम मुझे किसी भी कीमत पर नहीं करना है, और कल मुझे 6 घंटे में टारगेट दे दो दिमाग को, ये खत्म करना ही है, चाहे जो बैकलॉग है या जो सवाल कर रहे हो, बार बार दिमाग को बताओ। दिमाग क्या होता है ना, उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसको तुम एक बार बोल के छोड़ दोगे ना तो वो भूल जाएगा फिर चीजों को, तुम्हें दिमाग को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि
उसे बताना पड़ेगा कि कल तुम्हें क्या करना है, नहीं तो ये दिमाग तुम्हारी मजे लेना शुरू कर देगा। थोड़ी देर किसी प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा बोलेगा कि चल ठीक है, 5 मिनट से थोड़ी ना कुछ होता है, 10 मिनट से थोड़ी ना कुछ होता है, चलो हम घूम के आ जाते हैं। बोले हाँ ठीक है, 5 मिनट से थोड़ी ना कुछ होता है, चलो घूम के आ जाते हैं, दोस्त से बात करके आ जाते हैं। दिमाग बोले हाँ चलो दोस्त से बात करके आ जाते हैं। और फिर तुम 5 मिनट के लिए गए, आधे घंटे दोस्त से बात किया और फिर वापस आए, और फिर यही दिमाग बोलेगा हो गया ना, आज का दिन खराब कर लिया, फिर से हो नहीं पाएगा, हो गया। तो पहले ही दिमाग को बता के रखो कि मुझे नहीं करना ये काम और ये काम करना है। और सिर्फ रोज 10 मिनट रात में सोचोगे ना तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं तो पिछला 6 महीना कैसे बीता है उसका हिसाब आज मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हारे पास नहीं है, और आगे का 4 महीने कैसे बीत जाएगा तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। समझ में आएगी नहीं है? रोज टाइम निकल रहा है और रोज कैसे बीत जा रहा है ना तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है कि आज दिन भर में 24 घंटे हैं, हर रोज 24 घंटे होते थे, लेकिन पिछला 6 महीना कहां गया? पढ़ाई किया है, खूब पढ़ाई किया है, अपने दिल से पूछो, अगर तुमने किया है तो बहुत बढ़िया, तुमने 100% दिया है तो ठीक इसी तरीके से करते रहो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, जो 6 महीने हमने बिताए हैं उसमें और बेहतर हो सकता था, तो उसमें तो अब बेहतर हो नहीं पाएगा, पीछे तो जा नहीं पाओगे, आगे आने वाले समय को ठीक कर सकते हो। और देखो ये 100% बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उसको ये पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ निकलता जा रहा है, समय भागता जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से निकलता जा रहा है। पता है तुम्हें सबसे ज्यादा ना प्रेजेंट में लगता होगा कि यार समय बहुत है, लेकिन जब तुम फ्यूचर के बारे में सोचोगे और पास्ट के बारे में सोचोगे तो तुम्हें लगता है यार कहाँ चला गया इतना समय, तो ऐसे ही निकलता चला जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हें लगता है कि तुमने 80% दिया था, 70% दिया था, 80% दिया था, तो जितना भी दिया था उसको इंप्रूव करिए, और शाम को ये सोचिए कि हमने ये टाइम कहां खराब किया है, उसको कैसे इंप्रूव करें, और आगे आने वाले समय के लिए दिमाग को 6 बार बताइए करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये काम मुझे करना ही है, इतना करना ही है। धीरे धीरे एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी। चलिए